इनविजिबल सनस्क्रीन मैंने अभी तक ना तो सुना था ना कभी यूज किया है, तरह का प्रमोशन नहीं है कि मैं इसको लाइक बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताऊं। प्लीज वेलकम टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक डिफरेंट से प्रोडक्ट का रिव्यू, एंड दैट वन इज एक्वालॉजिका सनस्क्रीन। सो सनस्क्रीन मैंने पहले लाइफ में यूज किए हैं, बट ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये है इनविजिबल सनस्क्रीन। सो इनविजिबल सनस्क्रीन मैंने अभी तक ना तो सुना था ना कभी यूज किया है, एंड आई थिंक एक्वालॉजिका ने ही इसको लाइक ये जो नई टर्म है ना इनविजिबल सनस्क्रीन, ये एक्वालॉजिका ने ही लॉन्च की है शायद मेरे हिसाब से, बाकी मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ पता नहीं, बट मैंने एक्वालॉजिका का ही सुना था। सो यस, दिस इज क्लियर प्लस इनविजिबल सनस्क्रीन जो कि आता है ग्रीन टी, सैलिसिलिक एसिड एंड हाइलोनोरिक एसिड के साथ। तो तीनों इन्ग्रीडियंट काफी इंप्रेसिव मुझे लगे, तीनों मेरे फेवरेट है, मैं यूज करती हूँ, एंड थोड़ा सा डिफरेंट इसका फॉर्मूला वगैरह था तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस अपना आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं है कि मैं इसको लाइक बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताऊंगी, जो भी मेरा ट्रू एक्सपीरियंस रहेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो यस, मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड यस मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। यार मतलब आप लोगों के लिए हम नया नया कॉन्टेंट लेके आते हैं, जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं मैं उनको बाय करके अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मतलब नॉन स्पॉन्सर वीडियो ऑलमोस्ट मेरे होते हैं, फिर भी यार आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट मींस अ लॉट टू मी गाइस। सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल पैकेजिंग के बारे में, इसमें कौन कौन से फिल्टर्स है, केमिकल है, मिनरल है, क्या है ये, मतलब क्या झमेला है, उसके बाद हम डिटेल से देखेंगे ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो यस, दिस इज द आउट ऑफ बॉक्स पैकेजिंग, दिस इज एक्वालॉजिका क्लियर प्लस इनविजिबल सनस्क्रीन, ग्रीन टी सैलिसिलिक एसिड के साथ ये आता है, एंड यस क्लैरिफाई प्लस हाइड्रेट ये आपको स्किन प्रोवाइड करेगा। एसपीएफ 50 प्लस है, पीए ट्रिपल प्लस है, एंड जो कि आपको यूवीए एंड यूवीबी दोनों रेस से प्रोटेक्ट करेगा। प्राइस की अगर बात करें तो इसकी एमआरपी है 549 रुपीज, एंड क्वांटिटी आपको मिलेगी 50 ग्राम्स, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है। 50 ग्राम के लिए हमें 550 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, एंड बाय द वे इसकी शेल्फ लाइफ आपको 2 ईयर्स तक मिल जाएगी। एंड यस, यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्रेडिएंट लिस्ट, तो काफी सारे केमिकल फिल्टर इसके अंदर है। सो दिस इज केमिकल सनस्क्रीन, दिस इज नॉट अ मिनरल सनस्क्रीन, यहाँ पे मेंशन भी आप देख सकते हो, नो मिनरल ऑयल, नो सल्फेट, नो पैराबेन। बात करें इसके हीरो इंग्रेडिएंट की, जो इसके अंदर ग्रीन टी है, ग्रीन टी बेसिकली जो भी आपके एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया है उसको फाइट करता है, और सबसे बड़ी बात ग्रीन टी में ना सूदिंग वाली प्रॉपर्टीज होती है जो आपको काम रखती है आपकी स्किन को। नेक्स्ट वन इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बेसिकली BHA होता है, जो कि बेसिकली आपके जो क्लॉग्ड पोर्स है उनको अनक्लॉग करता है, जो कि ब्रीद करने के लिए प्रॉपरली जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए स्किन को उसके लिए काफी यूजफुल रहता है। एंड वी ऑल नो कि सैलिसिलिक एसिड बेसिकली एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट वन इज हाइलोनोरिक एसिड, हाइलोनोरिक एसिड एक ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करता है, जो कि हमारी स्किन का जो मॉइस्चर है उसको लॉक करके रखेगा। जो भी हमारे स्किन सेल्स में वाटर की कमी रह गई है, या जितना प्रॉपरली वाटर मिलना चाहिए हमें स्किन को, उतना ये लॉक करके रखता है। सो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करेगा। सो यस, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर केमिकल है, तो तीन तरह के इसके अंदर केमिकल फिल्टर है, और मिनरल फिल्टर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एंड यस, दिस इज द आउटर बॉक्स पैकेजिंग। बात करें इसके इनर बॉक्स पैकेजिंग की, तो ये काफी डिफरेंट सी बॉटल के साथ आपको मिलता है, एंड यहाँ पे आपको नोजल मिल जाएगी, एंड लुक एट दिस कंसिस्टेंसी गाइस, मतलब दिखने में एकदम ये वाटर टाइप का है, एंड जब आप इसको इस तरह से रब करोगे ना, तो ये बिल्कुल इस तरह का, मतलब जो एक होता है ना सिलिकॉन बेस वाले जो प्राइमर्स होते हैं, जो बेसिकली आपको एकदम स्मूथ स्किन देते हैं, वैसा ही इसका फॉर्मूला है। काफी अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाता है, एंड लुक एट दिस, लाइक इसका जो नाम है ना इनविजिबल सनस्क्रीन, लिटरली इनविजिबल है, बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, बिल्कुल भी फेस पे ग्रीजीनेस, चिपचिपापन ऐसा नहीं लगेगा, लगाते ही स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा, और आपको फील भी नहीं होगा कि आपने सनस्क्रीन लगाया है, इतना लाइट वेट इसका फॉर्मूला है। अभी बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो लास्ट मंथ से मैं इसको यूज कर रही हूँ, विंटर्स में ही मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया था। बात करें कि आपको क्लियर स्किन देगा, या फिर आपको जो भी एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया है, जो सैलिसिलिक एसिड या जो ग्रीन टी वाला काम है वो करेगा या नहीं करेगा, सो उसके अंदर तो मुझे एज सच कोई भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आया, क्योंकि लास्ट एक मंथ से मेरा स्किन का जो जर्नी है वो काफी ज्यादा पथेटिक रहा है। बहुत सारे एक्ने मुझे हुए हैं, एक्ने स्कार्स भी है, यू कैन सी अभी भी दो एक्टिव एक्ने है यहाँ पे। सो एज सच मेरे एक्ने पे, एक्ने स्कार्स पे, जो बोलते हैं ना कि सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है फेस पे, तो उस तरह से तो मुझे उसको रिजल्ट नहीं मिला, बट यस आई मस्ट से कि इसको लगाने के बाद में 2-3 घंटे
तक, लाइक लास्ट मंथ में राजस्थान गई थी तो वहां मैं इसको लगा के आराम से 2-3 घंटे बैठी हूँ धूप में, काफी लंबे टाइम तक मैंने इसको यूज किया है। तो यस, ये टैनिंग नहीं देता है, SPF के अंदर काफी अच्छा है, UVA UVB दोनों इससे प्रोटेक्ट करता है, तो टैन तो फॉर श्योर आपको नहीं आएगी इसको यूज करने के बाद। बट यस, अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए हो, 3 से 4 घंटे बैठे हो धूप में, तो आपको रीअप्लाई इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि SPF 50 आपको 3 से 4 घंटे के बाद रीअप्लाई करना होता है। सो यस, एज अ सनस्क्रीन अगर आप इसको परचेज करोगे ऑयली स्किन के लिए, या फिर आपको ग्रीजीनेस ना लगे, व्हाइट कास्ट ना छोड़े, एकदम लाइट फॉर्मूला हो, उसके लिए मुझे काफी अच्छा लगा। बट यस, अगर आप ये सोच के लोगे कि इसके अंदर ग्रीन टी है, सैलिसिलिक एसिड है, वो कैसा काम करेंगे, वो अच्छा रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उसके लिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ मत लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्राइजी भी है, तो एक्सपेक्ट आप ज्यादा करोगे तो हर्ट होगा। यस, फॉर्मूला वाइज इसकी कंसिस्टेंसी वाइज काफी अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है। सो या, दैट्स ऑल अबाउट माई ओवरऑल रिव्यू गाइज। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।